जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आपसे जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे, जिनका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, ये सवाल आपके लिए काफ़ी नॉलेजफुल होंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आपको लगातार नई नई वीडियो देखने को मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, किस जानवर को हर चीज़ दोगुनी दिखाई देती है? ऑप्शन है जिराफ, हाथी, घोड़ा या शेर। तो दोस्तों, इसका जवाब अगर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करें। आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा वक्त चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाथी। दूसरा सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, गोवा या असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोवा। तीसरा सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल सवाल दिए गए हैं इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति। चौथा सवाल है, कौन सा फूल 12 साल में केवल एक बार खिलता है? ऑप्शन है रेफ्लिसिया, सदाबहार, नील कुरिंजी या सूरजमुखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नील कुरिंजी। पांचवा सवाल है, किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन है कबूतर, मोर, तोता या हंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कबूतर। छठवां सवाल है, रोटी किस गैस के कारण फूलती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। सातवां सवाल है, लाल किला बनाने में कितना समय लगा था? ऑप्शन है 10 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष या 22 वर्ष। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिले तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 वर्ष। आठवां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? ऑप्शन है आम, पीपल, बरगद या अशोक। तो दोस्तों, आप आंसर देखने से पहले आंसर कमेंट किया करें, बाद में आंसर देखा करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बरगद। नौवां सवाल है, भुने हुए चने खाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? ऑप्शन है शुगर, कब्ज, ब्लड प्रेशर या टीबी। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से होती रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कब्ज। दसवां सवाल है, काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन है भारत, फ्रांस, तुर्की या नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुर्की। तो दोस्तों, आप इनमें से कितने आंसर सही दे पाए हमें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखकर ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे भी अच्छी नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे।
तो जब तक चैनल से जुड़े रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।